नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य रामचरण जी शर्मा चैनल भक्ति महिमा की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा नरक चतुर्दशी। नरक, जिसका नाम सुनते ही पापी तो पापी दानियों के भी रूह कांप जाते हैं। श्रोताओं, नरक से मुक्ति पाने के लिए किस तरह से यम का पूजन करना चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। श्रोताओं, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। नरक से बचने हेतु किस तरह से यम को खुश करें, उनका पूजा करें या अर्चना करें, आज मैं आप सब लोगों को पूजा विधि बताता हूँ कि किस तरह से पूजा करने से नरक से मुक्ति मिलती है। भक्तजन, नरक चतुर्दशी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक रंधी देवी राजा हुआ करते थे। उन्होंने पूरी उम्र दान दक्षिणा और सारे शुभ काम किए। पूर्व जन्म में भी वो बहुत बड़े धर्मात्मा एवं दानी थे और इस जन्म में भी वो हमेशा दान व पुण्य किया करते थे। लेकिन अंतिम समय में जब यमदूत उनके पास आए और राजा ने यमदूतों को देखकर परेशान हो गए और पूछे कि हे यमदूत, मैंने पूर्व जन्म में भी दान दक्षिणा एवं शुभ कार्य किए थे, कोई पाप नहीं किए थे और इस जन्म में भी मैंने दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराना इत्यादि सब कर्म किया, लेकिन मुझे नरक क्यों? तब यमदूत ने बोला, हे राजन, आपने एक बार घोर अपराध किया था। आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण वापस चला गया था, इसीलिए आपको नरक जाना पड़ेगा। राजन ने हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना की, हे यमदूत, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी उम्र एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बगैर सोचे विचारे राजन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और यम लोग को चले गए। और उसी वक्त राजन ने ऋषियों के पास चले गए और ऋषि के पास जाकर प्रार्थना करते हुए बोले, हे ऋषिवर, भूल से मुझे एक घोर अपराध हो गया है। एक ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा प्यासा वापस चला गया, उसी पाप की वजह से मुझे नरक जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, आप ही कोई उपाय बताओ जिसे मुझे नरक ना जाना पड़े। ऋषि ने बोला, हे राजन, आपने घोर पाप किया है, एक भूखे ब्राह्मण को वापस जाने दिया है, उस अपराध का उपाय बताता हूं मैं तुम्हें। ऋषि ने बोला, हे राजन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो और दान दक्षिणा देते समय से क्षमा याचना करो और अपने पाप के विषय में बताओ और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से श्राप से मुक्त हो जाओगे। और हाँ भक्तों, राजा ने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान का व्रत रखा, पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत सारे दान दक्षिणा दिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपने पाप के विषय में बताया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजन पाप से मुक्त हो गया। भक्तजन, इसी तरह से राजा स्वर्गलोक को चले गए। श्रोतागण, इस दिन को हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। भक्तजन, इस शुभ दिन को प्रातः काल उठकर सरसों का तेल लगाए और चिचड़ी का पौधा लेकर शुद्ध जल में डालकर स्नान करें और शाम को घी का दीपक जलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा करें। इसी तरह से यमराज प्रसन्न होते हैं और हम लोगों को नरक से मुक्ति मिलती है। श्रोतागण, इसी तरह से नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। भक्तजन, फिर मैं आप लोगों के सामने किसी देवी या देवता के पूजा विधि के साथ उपस्थित हूँ। और हाँ भक्तजन, भक्ति महिमा चैनल को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए मैं आचार्य रामचरण जी शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ।
नमस्कार।